जो देखेगा वो बिकेगा, इन चार शब्दों से हर कोई सहमत होगा, क्योंकि तेजी से करवट ले रहे जमाने का ये सुकून है, चैन है। कोई भी ब्रांड ओनर दिखना इसलिए चाहता है, यानी कि विज्ञापन इसलिए देता है कि वो इस विज्ञापन से अपने ब्रांड को प्रमोट करे। पैसा खर्च करता है ताकि बदले में वो पैसा कमाए भी। तरह तरह के माध्यम है जहां आप विज्ञापन देते हैं। फर्ज कीजिए रेडियो हो गया, टीवी हो गया, होर्डिंग का भी सहारा लिया जाता है, ऑटो टैक्सी के पीछे लिखा जा सकता है, कई तरह की स्पॉन्सरशिप का भी इंतजाम है। लेकिन क्या हो अगर आप किसी ब्रांड या किसी भी चीज को स्पॉन्सर करें और स्पॉन्सर होते ही, स्पॉन्सर बनते ही आपका बुरा वक्त शुरू हो जाए, आपके बिजनेस ठप होने लगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ उन कंपनीज के साथ जिन्होंने टीम इंडिया की जर्सी को स्पॉन्सर किया है। अपनी स्क्रीन पर देखिए जर्सी में इस वाले हिस्से पर जो आप इंडिया लिखा देख रहे हैं, उसके ऊपर टीम इंडिया के जर्सी के स्पॉन्सर का नाम होता है। जिस जगह पर जगह बनाने के लिए स्पॉन्सर्स को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अभी जो टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर है वो है ड्रीम इलेवन, जिसने करीब 360 करोड़ रुपए में जुलाई 2023 में मार्च 2026 तक की स्पॉन्सरशिप ली है, जो कि इंडियन मेंस, विमेंस और अंडर 19 क्रिकेट के लिए होगी। और एक और बड़ी बात आपको बताते हैं, जुलाई में ड्रीम इलेवन ने टीम इंडिया की जर्सी की स्पॉन्सरशिप ली और अगस्त में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर 28% GST लगा दिया गया, जिसमें ड्रीम इलेवन एक प्लेटफॉर्म है। इतना ही नहीं, DGGI यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने ड्रीम इलेवन को चोरी के मामले में 25,000 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। इसके पहले टीम इंडिया की जर्सी की स्पॉन्सरशिप थी बायजूस के पास, तकरीबन $35 मिलियन के साथ। इस डील को 2019 में उसने अपने नाम किया था। जर्सी पर नाम आते ही बायजूस पर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होने लगा। कंपनी के 3 डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया। बायजूस को 4,564 करोड़ रुपए का साल 2021 में लॉस हुआ, जिसके बाद कंपनी ने अक्टूबर 2022 में 2500 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया था और इंडियन अथॉरिटीज जैसे ED की भी एंट्री हो गई थी। और ताज़ा मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस साल भी 4,000 से 5,000 एम्प्लॉइज को बायजूस निकाल सकता है। फिर आते हैं ओप्पो पर, जिसने 2019 में 1,079.29 करोड़ देकर जर्सी में अपना नाम लिखवाया था। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI ने बताया कि चाइनीज स्मार्टफोन मेकर अपने भारत में 4,379 करोड़ रुपए के कस्टम ड्यूटी की चोरी की है और सरकारी एजेंसी ओप्पो के पीछे लग गई थी इसके बाद से। फिर 2014 से 2017 तक टीम इंडिया की जर्सी पर नाम था स्टार का। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 203 करोड़ रुपए स्टार इंडिया ने ऑफर किए थे। 2019 में स्टार ग्रुप को डिज्नी ने एक्वायर कर लिया और ऐसी खबरें हैं कि डिज्नी स्टार को सेल भी कर सकता है। फिर 2002 से लेकर 2013 तक जर्सी स्पॉन्सरशिप सहारा के पास थी, जो कि सबसे लंबे वक्त के लिए थी टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप रही थी। और सहारा का क्या हाल हुआ उससे हम सब अच्छे से वाकिफ हैं। निवेशकों का पैसा वापस करने को लेकर बाजार नियामक सेबी के साथ चल रहे विवाद मामले में सुब्रत रॉय और उनकी कंपनी के 2 निदेशकों को जेल हुई थी। सबसे पहले जो स्पॉन्सर था टीम इंडिया का वो था विल्स बाय ITC, एक सिगरेट ब्रांड था। जर्सी पर नाम आते ही टोबैको एडवर्टीजमेंट को लेकर एक बिल सरकार ने पास कर दिया, जिसके बाद ITC ने स्पॉन्सरशिप को वापस ले लिया था। यहाँ तक कि विल्स को ITC ने बंद कर दिया था। ये मैज हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि जिसका भी नाम जर्सी पर आया वो कंपनी बर्बाद हो गई, या यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियाँ उसके पीछे पड़ गई, उनको लोगों को नौकरी से निकालना पड़ गया। ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, ना कि कोई जजमेंट है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइव।